नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए इस बात को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि कोई कुछ बताता है तो कोई कुछ। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं तीन बातों के ऊपर। पहली बात, सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। दूसरी बात, खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर लेवल कितना होना चाहिए। और तीसरी बात, HbA1c लेवल कितना होना चाहिए। मैं रंजीत सिंह, डायबिटीज स्पेशलिस्ट, हेल्थ कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट, आयुर्वेदिक रंजीत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम डायबिटीज की हिस्ट्री को जान लेते हैं, फिर सब कुछ समझना और समझाना दोनों आसान हो जाएंगे। 1979 से पहले ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल होना चाहिए ये माना जाता था, लेकिन कितना नॉर्मल होना चाहिए ये नहीं पता था। फिर 1979 में एक आंकड़ा तय किया गया जिसमें 200 यूनिट को नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल माना गया। इसके बाद 1997 से 1999 के बीच एक दूसरा आंकड़ा तय किया गया जिसमें 126 यूनिट को नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कहा गया। फिर इसके बाद 2010 यानी 2010 में एक तीसरा और नया आंकड़ा आया जिसमें ये कहा गया, ये तय किया गया कि फास्टिंग शुगर यानी सुबह खाली पेट शुगर 100 यूनिट, खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्टप्रांडियल ब्लड शुगर लेवल 140 यूनिट और HbA1c 5.8 होना ही चाहिए तो इसे नॉर्मल माना जाएगा। माना, तीन तीन टेस्ट तय किए गए, तो आप किसी ना किसी टेस्ट में तो ज़रूर फंसेंगे, और जैसे ही फंसेंगे आपकी डायबिटीज़ की दवा शुरू कर दी जाएगी। और दवाओं से ना किसी का भला हुआ था, ना हो रहा है, और ना दवाइयों से भला होगा, लेकिन फिर भी आपको खिलाई जाएगी। अब आपके मन में एक प्रश्न और आएगा कि ये आंकड़े तय कौन करता है। तो बड़ी बड़ी संस्थाएं जिन्हें बड़ी बड़ी दवाइयों की कंपनियां, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज चलाती हैं, वही आंकड़े तय करते हैं, ताकि आप डायबिटिक पेशेंट ना होते हुए भी डायबिटिक पेशेंट बन जाएं और फिर डायबिटीज की दवा खाना शुरू करें जिससे मुनाफा यानी प्रॉफिट ज्यादा हो। वैसे भी मैं सारी बात एक वीडियो में नहीं बता सकता, वरना वीडियो को ही हटा दिया जाएगा या हटवा दिया जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। यहाँ झूठ बोलने वालों को इनाम और सच बोलने वालों को सजाएं मिलती हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और अपने ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल फिर होना कितना चाहिए। तो सुबह खाली पेट अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल 100 यूनिट, 105 यूनिट, 110 यूनिट या 120 यूनिट से कम आए तो इसे नॉर्मल कहा जाएगा। वैसे भी सुबह के समय अधिकतर लोगों का, सभी लोगों का तो नहीं, लेकिन अधिकतर लोगों का ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा ही आता है, इसे डॉन फिनोमिना कहते हैं। इसके ऊपर पहले से ही हमने एक वीडियो बनाया है, आप इसे जाकर ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। हाँ, लेकिन अगर आपका फास्टिंग शुगर 120 या 125 से ज़्यादा रहने लगे और काफ़ी दिनों तक ऐसे रहने लगे तो आपको सतर्क होना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल में बहुत बड़े चेंजेस करने चाहिए। दूसरी ओर अगर खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्टप्रांडियल पीपी शुगर लेवल 160 यूनिट, 180 यूनिट या 200 यूनिट से कम आए तो इसे नॉर्मल माना जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने भोजन में हाई कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट ली हो या आलू या शकरकंद जैसी चीज़ें खाई हो तो आपका खाना खाने के बाद ब्लड शुगर लेवल बढ़ भी सकता है, इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। तो फाइनली आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि सुबह खाली पेट यानी फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 120 से कम रहे, खाना खाने के 2 घंटे बाद यानी पोस्टप्रांडियल पीपी शुगर लेवल 180 या 200 यूनिट से कम रहे और HbA1c 6.2 से नीचे रहे तो इसे नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कहा जाएगा। इसलिए आप किसी के डराने में या बहकाने में बिल्कुल ना आए, और YouTube पर जो लोग नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल को लेकर साइंटिफिक स्टडी चिल्लाते हैं उनसे तो बहुत
बचकर रहें, वरना वो आपको डायबिटिक पेशेंट बनाकर ही मानेंगे। थोड़ा सा भी शुगर लेवल बढ़ जाने पर तुरंत डायबिटीज की मेडिसिन या इंसुलिन के इंजेक्शन कभी शुरू ना करें। केवल और केवल अपनी शुगर की रीडिंग को ना देखें, अपने शरीर को जाने पहचाने और देखें कि आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको क्या सिम्टम आ रहे हैं। आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें।